अरे निर्मला भाभी, होली का डबल मजा दे दिए दिवाली में, शौक लग गया। हंगर रिपोर्ट बता रहा है कि हमारा 55वां स्थान था, 107वां स्थान हो गया। अब दांत फार के कह ही डॉलर मजबूत हो रहा है, मतलब हम भूखे नहीं मर रहे हैं, बाजू वाला देश का आदमी खूब खा रहा है। हमारे देश में के लोगों की भूख बढ़ रही है, बगल वालों के देश में भूख ही नहीं लग रहा है। कुछ भी बोल देती हैं भाभी, तो कमाल की है निर्मला भाभी। सबका पता है पूरी दुनिया को कि टाइटैनिक डूब गया, भाजपा वाले से पूछिएगा तो कहेगा टाइटैनिक पर समुद्र का पानी चढ़ गया था, टाइटैनिक डूबा नहीं था। बताइए कोई लॉजिक है कि रुपया मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि रुपया जो है गिर नहीं रहा है, कहीं ना कहीं डॉलर की कीमत जो है बढ़ रही है। सर, किस तरह से देखते हैं इस बयान को? निर्मला भाभी की बातें तो भाई साहब ने बहुत ही जतन किया होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से तीर्थ किए होंगे, पीपल पूजा होगा, केला पूजा होगा, तुलसी पूजी होगी, जो निर्मला भाभी जैसी भाभी मिली। देश में जो मान सम्मान इन्होंने बढ़ाया हो तो बढ़ाया ही, अमेरिका में भी नाम रोशन किया, भारत को विश्वगुरु बना दिया। अब समझिए, ये वही निर्मला भाभी हैं जो कहती थी प्याज लहसुन के दाम बढ़ गए तो क्या हुआ, मैं तो प्याज लहसुन खाती नहीं। और इनके जो जिनको ये अपना आइकॉन मानते हैं, देश के सबसे बड़े फेकेंदर, जूठेंदर, जूठेश्वर, लुचेश्वर, जो भी खिताब आप देंगे गिनीज बुक में नाम दर्ज करने का, उन्होंने कहा कि सर्दी बढ़ नहीं रही है, उम्र बढ़ रहा है। उसी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाले निर्मला भाभी ने भी फिर से कहा कि हमारे देश में, हंगर रिपोर्ट देखकर कह रही हैं कि हमारे देश में लोग भूखे नहीं हैं, बाजू वाले देश के लोग ज़्यादा खा रहे हैं। हंगर इंडेक्स में 107 नंबर पे पहुंच गया भारत। अरे भैया, तो यही तो शर्म की बात है ना। अब ये इतने बेशरम हैं कि अपने देश में झूठ बोलते सो बोलते, इनकी निर्लज्जता की पराकाष्ठा अमेरिका तक चली गई। और अमेरिका जाकर कहते हैं, आप समझो 2014 में हमारा 55वां स्थान था, हम नेपाल से आगे थे, पाकिस्तान से आगे थे। जिन पाकिस्तान से भाजपा वालों का याराना संबंध है, वो पाकिस्तान हमसे आगे चला गया। और ये इतने बेशरम हैं, हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है, लाजू मरे ढीठू जिए। ये इतने ढीठ हैं कि देश में जो झूठ बोलते से तो बोलते, और दिवाली में होली का मजा ला दिया इन्होंने। निर्मला भाभी ने तो बिल्कुल होली जैसा माहौल ला दिया, जो गिरा सारा रारा गाँव, गाँव सबके सब। हम लगातार फिसलते जा रहे, हम भुखमरी के कगार पर पहुंच रहे। हम दिवाली में जहां दिए जलाना था, रंग अबीर खेलने का मौसम ला दिया। अब सोचिए, रुपया जूही चावला जी एक अभिनेत्री थी जो कहती थी कि मैं अंडरवियर डॉलर का पहनती, रूपा का पहनती तो बार बार गिरता रहता। अब रूपा को, डॉलर को राखी बांधना चाहिए। अब भैया, तो अब कहाँ हैं भैया, अब राखी बांधूं कि वो बड़ी मोटे से लोहे के जंजीर से बांध दूं, ये तो बताओ जूही चावला जी। और निर्मला भाभी, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप कौन कौन से व्यर्थ का शास्त्र पढ़ के आए, देश में जो भारत में जो आपने मूर्ख बनाया, पूरे भारत को अमेरिका में जाकर मूर्खों का देश बना दिया। अरे हम जैसे ज्ञानी लोग भी देश में रहते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, माना कि आप और आपके आपका अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, इसका ये मतलब तब नहीं ना है कि आप पूरा का पूरा गोबर गणेश कर दीजिएगा, हैं? भारत के जो मान प्रतिष्ठा है उसको क्यों डुबा रहे हैं? एक वित्त मंत्री के राज में आपने देखे होंगे कि पराठा पर भी GST लग गया, आटा पर GST लग गया, हीरा पर 3%, स्याही पर कितना परसेंट। अब देखिएगा, इन्फ्लेशन रेट जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं के राज में है, 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। इम्प्लॉयमेंट का जो 45 साल का रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया इन्होंने। अब हम जिस कर्नाटक में हैं, वहाँ पुलिस सब इंस्पेक्टर की बहाली में 80-80 लाख रुपए रिश्वत मांगे जा रहे हैं। कमीशन की सरकार है ये, कमीशन खोरों की सरकार है। इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों से कमीशन खाते थे और इनकी ये नाजायज औलादें जब देश की सत्ता में आए तो यहाँ कमीशन खा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर में खा रहे, JEE में खा रहे, हर पद के लिए कमीशन, बगैर कमीशन का तो ये छींकते भी नहीं हैं।
तो समझिए कि ये लोग कमीशन खोर लोग हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, 2022 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसानों की आय दुगुनी करेंगे, जब 2014 में सत्ता में आए तो खाद पर जीएसटी नहीं था, 5% खाद पर जीएसटी लगा दी, ट्रैक्टर पर इन्होंने 12% जीएसटी लगा दी, कीटनाशक पर 18% जीएसटी लगा दी, इनका बस नहीं चलता है, न तो शौचालय जाने पर भी जीएसटी लगा देंगे। अर्णब गोस्वामी उनकी अच्छाई गिना रहे कि मोदी जी ने उपलब्धियां देखी है मोदी जी की। अर्णब गोस्वामी गोबर को च्यवनप्राश समझकर चाटने वाला आदमी है, तो पूरा देश गोबर को च्यवनप्राश समझ के नहीं ना खाता है भाई। अर्णब गोस्वामी दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, जो सिर्फ नफरती चिंटू है, जो भाजपा रूपी ढाबा के बाहर आवारा कुत्ते की तरह खड़ा होता है कि मालिक हमारा बोटी खाएगा, हम कुतुर कुतुर के खाएंगे, तो वो पूछ हिलाता रहता है, तो उसका काम ही 24 घंटा है, वो कोई पत्रकार नहीं है। वह भाजपा का पहले के राजा महाराजा भांड रखता था, अब मोदी जी ने अर्णब गोस्वामी जैसे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार को रखा है। कहता था ड्रग दो, बार बार उसी गुजरात में उसी मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग का रैकेट पकड़ा गया, तो जाओ ड्रग लो ना भाई, वहाँ क्यों मुंबई में बैठ के अपने स्टूडियो में चिल्ला चिल्ली करते हो ड्रग दो, जाओ मुंद्रा पोर्ट पर, कंटेनर का कंटेनर ड्रग है। उसी गुजरात में बार बार जाली नोटों का खेप पकड़ा जाता है, जाओ वहीं, ये सब वही देखिए देशद्रोही लोग हैं, ये पूरी की पूरी गैंग है, चड्डी वालों की गैंग है। अर्णब गोस्वामी के घर में इनके पूरे रिश्तेदार भाजपा के नेता हैं, तो कहाँ से हैं भैया, किस बात का है, कौन सा क्वालिफिकेशन है, आप बताइए। यही चीज पंकज जी, आप भी जो भारत जोड़ो यात्रा है पहले दिन से चल रहे हैं और लगातार राहुल गांधी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके पैरों में भी छाला है, जिस तरीके से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी इसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं डरी हुई है इस यात्रा। एक बात आपको पता है, आप पत्रकार हो, पत्रकारिता तो किया आपकी, नहीं किया, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश में आगाज आंदोलन हुआ, तो ये क्या कर रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे, माई बाप दादा नाना ये भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए, उसके बदले में गार्ड की नौकरी ली, चिट्ठी लिखा। तो भैया एक बात बताओ, रूखा सूखा घास भूसा अगर गाय को खिलाते हो, भैंस को खिलाते हो, बकरी को खिलाते हो, तो क्या देती है वो, दूध देती है, लेकिन वही अमृत जैसा दूध अगर सांप के बच्चे को पिलाओगे तो सांप कोई अमृत थोड़ा देगा, जहर ना गलेगा। तो ये कौन लोग हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोग हैं, ये गोडसे के लोग हैं, ये हेडगेवार के लोग हैं, ये गोवलकर के लोग हैं, इनका वही अनुवांशिक लक्षण है, इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे और ये काले अंग्रेज हैं, ये काले अंग्रेज का काम भी वही है, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। इनका तो काम है भैया, सांप का काम है जहर उगलना, सांप का काम है डसना, तो जो लोग उस समय आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे, आज देश को गुलाम होने देना चाहते हैं। अब इनको पूछिएगा तो कहेगा टाइटैनिक जहाज डूबा नहीं था, टाइटैनिक पर समुद्र का पानी चौट गया था। अब इतने मूर्ख लोग हैं, इनके दिमाग में भूसा भरा है, सबको पता है पूरी दुनिया को कि टाइटैनिक डूब गया, भाजपा वाले से पूछिएगा तो कहेगा टाइटैनिक पर समुद्र का पानी चढ़ गया था, टाइटैनिक डूबा नहीं था। अब बताइए कोई लॉजिक है कि रुपया मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अरे निर्मला भाभी होली का डबल बजा दे दिए दिवाली में, शौक लग गया, हंगर रिपोर्ट बता रहा है कि हमारा 55वां स्थान था 107वां स्थान हो गया, आप दांत फाड़ के कह ले डॉलर मजबूत हो रहा है, मतलब हम भूखे नहीं मर रहे हैं, बाजू वाला देश का आदमी खूब खा रहा है, हमारे देश में के लोगों की भूख बढ़ रही है, बगल वालों के देश में भूख ही नहीं लग रहा है, कुछ भी बोल देती हैं भाभी, तो कमाल की है निर्मला भाभी। में क्या संदेश देंगे भारत जोड़ो यात्रा संदेश? देखिए भारत जोड़ो यात्रा से अभी तक जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, समाज के हर वर्ग के लोग, हर जातियों के लोग, हर धर्म के लोग, हर क्षेत्र भाषा और प्रांत के लोग, हम भाषाएं उनकी नहीं समझते थे, जब कन्याकुमारी से चला उनका खान पान रहन सहन अजीबो गरीब लग रहा था, चूंकि मैं नॉर्थ इंडिया से आता और एक धुरी नॉर्थ और साउथ की धुरी जब हम लोगों से मिलते गए तो जो अपनापन, दिल का अपनापन, जो मनुष्य का आत्मीयता होता है, जब सामने बखान आता गया तो पता चला कि वाकई ये भाजपा रसिस के लोग वो सपोले की तरह जहर उगल रहे हैं। तो लोग, ये पूरा भारत एक छोर से दूसरे छोर के लोग, हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, हमारा खान पान अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हैं तो हम सभी इंसान, सभी लोग कह रहे थे देखिए हमारा भी खून लाल है, आपका भी खून लाल है,
हमें भी भूख लगती है, इन लोगों को भी भूख लगती है, हम भी बीमार होते हैं। तो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनको क्या चाहिए? स्वास्थ्य पर काम करना, शिक्षा पर काम करना, जो हंगर रिपोर्ट के इतने बेशर्मी की हद है कि ये लोग थेथरई थुथरई करते हैं। ये मतलब एक होता थेथर, एक होता थुथुर, एक होता महाथुथुर। तो भाजपा आरएसएस के लोग महाथुथुर है, लाजू मोरे ढीठू जिए, ढीठ है ये, बेशर्म है, इनको शर्म नहीं आता। कितनी बेशर्मी से हमारी निर्मला भाभी देश में तो देश में अमरीका में जाके कहती है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, तो रुपया क्या हो रहा है, मतलब रुपया कमजोर हो रहा है, नहीं तुमको दिमाग है? तो इतनी बेशरम, तो आप जानते ही हैं कि भाजपा नेताओं को कोई लाज शर्म तो है नहीं। अगर लाज शर्म होता तो ये चुनाव में रैलियां ना करके ये रुपया को मजबूत करने पर लगे होते। देश में जो भुखारी की विकराल समस्या होने वाली है उस समस्या के निदान की बात कहते। इन भाजपा आरएसएस के नेताओं को, इन बेशर्मों को, इन जाहिलों को, इन जो कामचोर लोगों को, देश की आप वेतन भत्ता लेते हैं देश की जनता के टैक्स के पैसों का और मजमा लगाते हैं चुनाव में, हैं भाइयों बहनों ताल ठोक रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का काम है कि जाके जहां जहां गली गली में घूमना, पर्चा बांटना, चुनाव प्रचार करना। देश डूब क्यों रहा है? देश इन्हीं कारणों से डूब रहा है। अगर आप अपने चैनल में एंकरिंग कर रहे, आप एंकरिंग छोड़ के जिलेबी बनाइएगा तो आपका ये चैनल चलेगा? तो जब प्रधानमंत्री जिलेबी बनाएंगे, पर्चा बांटेंगे, तो देश का क्या हाल होगा? जब गृह मंत्री पर्चा बांटेगा तो देश की क्या स्थिति होगी? तो देश इन्होंने डुबाया है। और दूसरी बात, गोवलकर की किताब है बंच ऑफ थॉट। गोवलकर कहता था कि वो हिटलर और मुसोलिनी को मानता था, वो अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक। उन्होंने अपने किताब में लिखा 147वें पेज में 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। अब तमाम जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनको ये जानबूझकर निजीकरण कर रहे हैं। क्यों? अब सरकारी संस्था में मान लीजिए कहीं किसी को कुछ हो गया तो सरकार मुआवजा देती थी, निजीकरण कंपनियां देती नहीं है, प्राइवेट कंपनियां। तो वो जानबूझकर लोगों को गरीब बनाने के लिए निजीकरण कर रही है, देश को ढंग से चला नहीं रही है कि देश के लोग खोखला हो जाएगा, देश कमज़ोर हो जाएगा। उसी पर एक सूत्री कार्यक्रम उसका है, गोवलकर के सिद्धांत को मानना और 95% भारतीयों को गरीब बनाना, ये उसी एजेंडे पर काम कर रही है। निश्चित तौर पर एक फूल कमल का फूल एक दिन बेवकूफ बनाने के लिए अप्रैल फूल और हमेशा बेवकूफ बनाने के लिए कमल का फूल। ये मोदी नहीं, मोदी धोखा है, ये देश की जनता को समझना होगा। भाजपा आरएसएस देश के लिए खतरनाक है, ये हम नहीं कह रहे, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, सरदार पटेल ने कहा था, यह अशफाकुल्ला खां ने कहा था, यह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, भगत सिंह ने कहा था, तमाम जो हमारे महापुरुष थे इन सभी ने आरएसएस को देश के लिए खतरा बताया था। हम सभी देशवासियों को भारत छोड़ो आंदोलन, हम खुश नसीब हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो आंदोलन का आगाज़ किया है। तो हम सभी मिलकर भारत को एक सूत्र में पिरोएं। चूँकि आपके घर में अगर आप चार भाई हैं, आपस में लड़ते हैं, आपके घर में बरकत नहीं आ सकती, तो सोचिए हम सभी जो धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, ये भारत माँ की संतान हैं, जब हम और आप लड़ेंगे तो भारत माँ के घर में बरकत नहीं आएगी। इसलिए हम सभी को नफरत को त्यागना होगा और राहुल गांधी के बातों पर चलकर भारत को एक सूत्र में पिरोना होगा, फिर से भारत को मजबूत बनाना होगा। जैसे हमने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, दो दो विश्व युद्ध के विजेताओं को मार भगाया, वैसे ही उन गोरे अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोगों को भी सात समुंदर पार खदेड़ना होगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव, जो बेबाकी से अपनी राय रहे थे, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को लूटने का काम किया है, बेरोजगारी बढ़ी है। और बाकी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।